شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين ابي القاسم محمد. وآله واترته واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولانة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقان المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال أبو عبد الله في حين صار وعيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا अल मिन नासिर ينصرنا حل من مغيث يغيثنا صلابات अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु हिजरा के अयाम अजा का पहला अशरा इख्तिताम को पहुँच रहा है और आज इस सिलसिले की फर्स्ट अशरे की मेरी आखिरी मजलिस है बहुत सारी बातें इनकम्प्लीट रह गई जिनमें से दो बातों को मैं इसलिए शुरू में बयान कर दूं कि हो सकता है कि आगे चलकर तकरीर के दौरान मेरे पास टाइम ना रहे पहली बात आयतुल्लाह उजमा आगे की बुक इस्लामिक लॉ जो असल किताब है मसाइल की अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम लिविंग इन द वेस्ट वो तो एक सप्लीमेंट्री किताब है लेकिन असल किताब तो इस्लामिक लॉ है जो हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को प्रोवाइड करे और इस किताब को अपने बेटे को खत्म करवाए मसला नंबर 896 और मसला नंबर 897 ये जो पहले वीक में एक मसला खुद बखुद कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया लेडीज और जेंट्स के नमाज पढ़ने का मसला सीक्वेंस क्या होगी मर्द आगे हो औरत पीछे हो दोनों एक ही लाइन में हो औरत आगे मर्द पीछे बहुत डिटेल आ गई है लेकिन एक रेफरेंस चाहिए था बाज मोमिन को और मोमिनात को तो इस्लामिक लॉ मसला नंबर 896 और 897 बस इसको पढ़िएगा जरूर ताकि आपके पास सही रेफरेंस रहे दूसरी बात टेम्परेरी मैरिज को परमानेंट मैरिज में कन्वर्ट करना प्रॉब्लम आ गया था उसका उस वक्त डिटेल में सोल्यूशन नहीं आया वक्त भी नहीं है डिटेल का लेकिन बहुत ही शॉर्ट दो बातें वो ये है कि अगर ये गलती लैक ऑफ़ नॉलेज की वजह से हो रही तो अगर चे ये हस्बैंड और वाइफ विदाउट एनी निकाह जिंदगी गुजार रहे हैं अकॉर्डिंग टू शरिया, शरीयत के एतबार से ये निकाह निकाह नहीं जमात के एतबार से ये निकाह होगा कम्युनिटी के एतबार से ये निकाह होगा डिटेल आ चुकी है मैं उस डिटेल में जाना भी नहीं चाहता और इतने इंपॉर्टेंट मसले को ट भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि जैसा मुझे एक्सपेक्टेड थी इस मजलिस के अंदर भी इस अशरे में भी यह मसला आने के बाद मोर देन केसेस मेरे पास आ गए सारे लेस्टर जमात के नहीं है ये इंटरनेट पे भी मजलिस से सुनी जा रही है बल्कि अभी अभी मुझे बराबर मोहतरम जुल्फार राजानी साहब ने बताया कि एटीन थाउजेंड लोगों ने ये मजालिस सुनी या डाउनलोड की तो खैर अट्ठारह सुने के अठारह हजार मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मसाला मोर देन फिफ्टी केसेस इस एक मजलिस की वजह से भी सामने आए कि जहां यह गलती हो रही तो इतना इंपॉर्टेंट मसाला है कि मैं इसे इसीलिए हर साल बयान करता हूं लेकिन इन शॉर्ट लैक ऑफ नॉलेज थी मसला मालूम ही नहीं था यह समझा गया था कि ऑटोमेटिक वो तो टेम्परेरी मैरिज के पीरियड में परमानेंट मैरिज का सीखा पढ़ लिया गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा तो ऐसा तो है नहीं और जो मसला आ गया कि ये विदाउट मैरिज यानी इस्लाम के एतबार से बगैर निकाह के जिंदगी गुजार रहे लेकिन इंटेंशनली नहीं परपजली नहीं इनका इरादा कोई फेले हराम करने का नहीं है इसलिए इनको ये गुनाह भी नहीं मिलेगा इस बात का वरना विदाउट निकाह एक साथ रहना कितना बड़ा गुना है गुनाह ने कबीरा में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुना लेकिन यह गुना नहीं माना गया लेक ऑफ नॉलेज और जो औलाद इसके नतीजे में हुई वो बिल्कुल हलाल की औलाद मानी गई और शरीयत में इसकी और बहुत सारी एग्जाम्पल है अलबत् इसका गुना मिलेगा कि यह मसला क्यों नहीं मालूम था जरूरी मसाइल है वो अगर आदमी ना सीखे तो उसका गुनाह मिलता है ये मैंने दो जुमले इसलिए कह दिया अब इसका एक सोलूशन यह कि जैसे ही मसाला पता चले उसी वक्त निकाह का सीगा दोबारा पढ़ा जाए जरूरत नहीं है कि आप जमात का हॉल किराए पे लें और दो निकाह खान लेकर आए और लोगों को वलीमा खिलाएं और फिर वो चार्जेस का मसाला आ ये सब कुछ नहीं सिर्फ ये है कि फौरन किसी एक आलिम से कह दें कि सीगा पढ़ ले बल्कि आज के महाराजे तो कहते हैं कि आप खुद भी ये सीखा पढ़ सकते हैं देखिए सारी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा तो ये दो तीन मसले ऐसे थे कि जिसमें कंफ्यूजन था लेकिन ये कन्फ्यूजन मेरे पास आया जब बड़ी रातें शुरू हो चुकी थी उसमें अच्छा नहीं लग रहा था गम की उन रातों के अंदर ये मसले बताए जाए आज ये आखिरी मजलिस थी आज भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ट्रुथ तो यह है करबला के रियल मसाए अब शुरू हुए लेकिन बहरहाल अगर ये मसाला मैं आज क्लियर ना करता तो फिर ये ऐसी गलतफहमी रहती और यहां एक छोटी सी बात मैं आखिरी और अर्ज कर दूं ब्रदर जाफर लाडिक ने जमात का शुक्रिया अदा किया शुक्रिया मुझे भी अदा करना चाहिए लेकिन मैं पहले कंप्लेन करूंगा फिर शुक्रिया अदा करूंगा मुझे कंप्लेन भी और आज भी मैं एक जगह जो मजलिस पढ़ रहा था मैंने पहले कहा कि इस्लाम में तबर्रा पहले है तवल्ला बाद में और यहां भी इससे पहले एक दिन आ चुकी है कि इल्लल्लाह पहले है बाद में वो अभी कंप्लेन की जानिब तो आता हूं लेकिन एक मुख्तसर सी बात वो ये कि हर आदमी उसके लिए एडवाइजेबल ये कि जब वो किसी मर्जे की तकलीद कर रहा तो उसी की लाइफ टाइम में वो ये हंट कर ले या ये सर्च कर ले कि इनके पास सेकेंड बेस्ट मर्जे कौन सा है क्योंकि कई जगह पर आपके मर्जे में आपके मर्जे की बुक में फतवा नहीं मिलेगा एहतियात वाजिब कंपलसरी प्रिकॉशन ऑब्लिगेटरी प्रिकॉशन अलग अलग इसके ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किए गए वो मसाला आता है और उसके अंदर आपको सेकेंड मर्जी की जरूरत पड़ती है जैसे यही एट नाइनटी सिक्स मसाला शोहर और बीवी माँ और बेटा भाई और बहन नमाज पढ़े एक डिस्टेंस चाहिए जो बुक के अंदर है टेन आर्म्स दस हाथ का फासला होना चाहिए दोनों में तो आप इसके अंदर छो ऑब्लिगेटरी या कंपलसरी प्रिकॉशन है सेकेंड मर्जे की तरफ आप जा सकते हैं यही मसाला हज का है अकॉर्डिंग टू आका सिसाने नाइन्टी परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट नाइनटी एट परसेंट शीओ के लिए एटलीस्ट जब तक कि ये सऊदी रेजीम है हज सही होना मुश्किल है इसकी डिटेल आ चुकी है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं और अगर एहतियात वाजिब का सोल्यूशन आ गए इस्तेमाल ना करे तो उसका हज सही नहीं हो सकता हाँ टू परसेंट हज सही कर सकते हैं लेकिन नाइन्टी एट परसेंट सही नहीं कर सकते और मैंने किसी को कंडेम करने के लिए नहीं वैसे ही साल एक सर्वे किया कि आगे सिस्तानी की तकलीद वाले कितने लोगों को यह मसाला मालूम और उन्होंने एहतियात वाजिब के ऑप्शन की वजह से बेस्ट मर्जे की तरफ रजू किया तो एक भी एक, एक पर्सन नहीं मिला जो हज करके आया हो और यह मसाला जानता हो मैं बात कर रहा हूं अपनी कम्युनिटी यानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ईरानी और इराकी और अरब भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं तो ये सेकंड बेस्ट मर्जे जगह जगह आपको शरीयत में इसकी जरूरत पड़ेगी ये मेरी खाली एक एडवाइस ही बहरहाल आपके लिए वाजिब तो नहीं है आप कह सकते हैं कि मैं अपने मर्जी ही की पूरी बुक पर अमल करूंगा वाजिब है तो उसमें भी अमल करूंगा एहतियात वाजिब है तो उसमें भी अमल करूंगा अब आइए जो तो आखिरी तकरीर होती है उसके अंदर कोई इतनी सीक्वेंस बन नहीं पाती लेस्टर की जमात जिसके अंदर कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो किसी और जमात में नहीं लेकिन एक चीज मुझे जरा सी कंप्लेन उसके बारे में और वो यह है कि थोड़ा सा ये इस्लाम की भी तोहीन हो जाएगी आगे चल के किसी स्टेज पे और वो यह है कि टाइम मैं उल्टी बात कह रहा हूं हर ऑरेटर या स्पीकर हर जमात से शिकायत करता है कि मुझे टाइम के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया इस जमात ने फ्री हैंड दिया टाइम के बारे में मगर इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता है वो जमात से भी कंप्लेन रहती है और इस जमात से भी अब देखिए आज ही आप देखिए तो 5:45 पर मेरी स्पीच शुरू होना थी पाँच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट पच्चीस मिनट चले इतना चल जाएगा लेकिन तकरीबन सिक्स थर्टी फाइव और सिक्स फोर्टी के बीच में मुझे यह मेंबर मिला मैं खाली अपने लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन अब टाइम टेबल देख लीजिए स्केड्यूल मुहर्रम का है फाइव फोर्टी फाइव कहां और सिक्स फोर्टी कहां बहरहाल ठीक है इतना रिस्ट्रिक्ट भी जाकिर को नहीं करना चाहिए कि पांच सात दस मिनट वो ज्यादा पढ़े तो फौरन ही नॉकिंग हो जाए मेंबर के ऊपर वो भी घबरा जाए कि ये आवाज कहां से आ रही है पता चले मुखी साहब हैं लेकिन इतना फ्री हैंड भी नहीं देना चाहिए जरा सा आप वेस्ट में हैं जहां टाइम की वाकई वैल्यू है और वेस्ट में तो क्या है इस्लाम में असल में टाइम की वैल्यू तो वो भी गलत है और ये भी गलत है दोनों एक्सट्रीम गलत है बोले सिरात इसी का नाम है कि आदमी इतना बैलेंस करके चले और मैंने ये आखिरी मजलिस में इसलिए कहा

थोड़ा सा कंट्रोल करे उतने स्ट्रिक्ट भी ना हो जाइए और इतने लीनियन भी ना हो कि एक घंटा जब लोगों को इस वक्त वापस जाना चाहिए था बहुत सारे लोग प्लान करके आए होंगे कुछ इंटरनेट पे भी सुनते हैं इसलिए मैंने ये कंप्लेन बता दी और आखिरी मजलिस में इसलिए बताई कि अब तो मैं जा ही रहा हूं पांचवी मजलिस में कहता तो वांदा आ जाता हो सकता है मेरे ऊपर ही बैंड लग जाता और ये बैंड इतने आराम से आजकल ओलमा और जाकिरीन पे लगता है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूं बड़े बड़े के ऊपर बैंड लग जाता अब आप बैंड लगाते रहिए कि कुछ भी करते रहिए लेकिन लेस्टर जमात से मुझे ये तो नहीं है ये लोग बात सुनते भी हैं और उसके बाद इससे असर भी कबूल करते हैं जो चुनाच आइंदा के लिए मेरी इस जमात से यही एक्सपेक्टेशन है कि जरा सा वो क्लॉक को और टाइम को कंट्रोल करेंगे और मैं शुक्रगुजार हूं जमात का इसी एक खास ऑफिस बैरियर की बात नहीं कर रहा हूं कमेटी हो कि कम्युनिटी सबने ना सिर्फ ये कि बड़ी मोहब्बत के साथ मेरी बयान को सुना 90 मिनट 95 मिनट्स मिनट मिनट्स मिनट भी मैंने पढ़ा था और वर्किंग डे में पढ़ा था ऐसा भी नहीं कि वीक है और खास बात यह है कि यहां यंगस्टर और यूथ भी बैठे रहे अगरचे उन बिचारों के फेसिस से लग रहा था कि मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सफे आजा के एहतराम में सही बैठे हुए और इसके बाद भी बाहर भी निकलता हूं तो जो अखलाक इनमें नजर आया मुझे यूस में वो किसी और खोजा जमात के यूस में नजर नहीं आए वो बद अखलाक ही नहीं होगी वो जरा सा उनका एम्बेसमेंट होगा कि हम उर्दू नहीं बोल सकते ये उर्दू के जाकिर हैं इनसे कोई बात भी करें तो ये उर्दू में बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा लेकिन जरा सा एक डिस्टेंस होता है यहां के यूज में ये डिस्टेंस नहीं रखा है चुनाच इनका भी शुक्रिया बड़ों का भी शुक्रिया और इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा ब्रादर जाफर लाडिक ने जो शुक्रिया अदा किया वो समझिए मेरी जानब से भी अब मैं अपनी तकरीर को एक ऐसे पॉइंट की जानब आ रहा हूं जो हर साल हर जगह में बयान करता हूं कहीं डिटेल में कहीं शॉर्ट में और वो ये है कि जिस तरह से दो मजलिसों में मैंने एक अंग्रेजी का बोलना चाह सही था था कि कि गलत गॉड इन वेज़ तकरीबन यही शैतान के बारे में भी है। कि शैतान जब हमको बहकाता है ना तो अलग अलग तरीकों से बहकाता और अजीब अजीब शैतान की ट्रिक्स होती जिसमें शैतान ये पूरा मेरा एक अशरा है शैतान पर भी लेकिन छोटी सी एक बात कि शैतान खाली शराब के जरिए से या मेरोंगी अब देखे मेरोंगी का फिर मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं मुझे नहीं पता कि ये क्या बारह लगे ड्रग्स है तो ड्रग्स इसमें ले लीजिए शराब के जरिए से ड्रग्स के जरिए से गैम्बलिंग के जरिए से इंटरटेनमेंट के नाम पर म्यूजिक के जरिए से मिक्स गैदरिंग के जरिए से इन्हीं के जरिए से शैतान नहीं बहकाता कभी मस्जिद में भी बहकाता है कभी नमाज के जरिए से भी बहकाता है कभी मजलिस को भी यूज कर लेता है तो शैतान के बड़े अजीब तरीके आदमी को हर वक्त शैतान के अगेंस्ट अलर्ट होके बैठना चाहिए और ये अभी मजलिस में ज्यादा डिटेल से आ रहा है लेकिन पहले मैं कम्युनिटी के हवाले से बात कर लू उसके बाद तो हम लोग आज की दुनिया में मोर और लेस हर जगह सेम प्रॉब्लम चल रहे हैं जिस कम्युनिटी में जिस जमात में जाइए हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम है मदर इनला और डॉटर इनला का प्रॉब्लम है पेरेंट्स का और औलाद का प्रॉब्लम है मोमिनीन के आपस के प्रॉब्लम है आप कहीं भी जाइए और इस टॉपिक पे तकरीर कीजिए तो उस मजमे में दस पंद्रह बीस ऐसी फैमिलीज मिल जाएंगी कि ऐसा लगेगा कि तकरीर खास उनको देख कर उनके लिए तैयार की गई और ऐसा नहीं होता जर्न, जर्न बातें हैं जर्नल हमारे प्रॉब्लम है दुनिया में हर जगह लेकिन होता यह है कि मजलिस पढ़ने वाला विक्टम बन जाता है इस बात का कि यह मजलिस जिसके ऊपर फिट उतर रही है वो यह समझता कि हमारे किसी मुखालिफ ने मौलाना को जाकर ब्रेन वॉश किया है चुनाव कि आज मौलाना ने हमारे ऊपर यह मजलिस पढ़ दी एक तोहहीन आमे जुमला में कह रहा हूं मेरी नीयत तोहिन की नहीं और वो यह है तो भाई तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम पे मजलिस पढ़ी जाए ये मेंबर बहुत बड़े बड़े कोजिस के लिए है तुम तो पोजीशन तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम पे मजलिस पढ़ी जाये तो तुमने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया लेकिन खैर ये ये मैं मैं की से नहीं कह रहा रहा हूं ये मैं बता रहा हूं बता और जाकिर वो जो पढ़ता है जनरल पढ़ता कुछ आदमियों पर यकीन वो मजलिस फिट उतरती होगी लेकिन यह नहीं है कि किसी को जहन में रख के मजलिस पढ़ी गई लेकिन जाकिर का इतना मसाला नहीं है जितना मजमे का मसाला होता वो खुद ही उस मजलिस को ट्विस्ट करके ले जाते और कहते हैं जी ये मजलिस आपके खिलाफ पढ़ी गई अभी आगे चल के ये आ रहा है डिटेल के साथ तो मैं अपनी जाने से ही बयान कर दूं। कि सारी इस वक्त इंडियन पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाली शिया कम्युनिटी के प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है सेम प्रॉब्लम तो जब मजलिस पढ़ी जा रही है तो वह एक आम गाइडेंस आपको दी जा रही और एक बात याद रखिए ये दो बातें मेरी अपनी जिंदगी का पूरे एक्सपीरियंस का खुलासा या निचोड़ या समरी मैं रसूल नहीं मैं नबी नहीं मैं इमाम नहीं मैं मर्जे नहीं मैं आलिम नहीं एक स्टूडेंट नंबर एक ये कि जब कोई आदमी किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हो फंस जाए तो कभी उसका मजाक ना उड़ाइएगा मैंने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में देखा कि जिसने दूसरे का मजाक उड़ाया है कुछ अरसे के बाद यही प्रॉब्लम उसके घर में आ गया मसलन किसी का बेटा वो शराबी बन गया अब हम बड़ी खुशी के साथ कह रहे हैं मालूम है खुला साहब वैसे बहुत रिलीजन रिलीजन करते हैं अपने बेटे को कंट्रोल ना कर सके और शराबी हो गया क्योंकि अभी हमारी या तो औलाद नहीं है ये बहुत छोटे छोटे बच्चे जिसने दूसरे का मजाक उड़ाया वो प्रॉब्लम उसके जिंदगी में आया कुछ की जिंदगी में फौरन आ गया कुछ में कुछ अरसे के बाद तो कभी ये गलती ना कीजिएगा और दूसरी बात ये कि कभी भी कोई भी डिस्प्यूट आपके सामने आए वन साइडेड स्टेटमेंट सुन के कभी आप कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा जब तक के दोनों पार्टीज का स्टेटमेंट ना हो देखिए आप एक सास बहू का केस ले लीजिए मैं तो कई तरह से इसका विक्टिम बनता हूं जहां जाते हैं अब ये औरतें अपने अपने कंप्लेन लेकर आती है औरतों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि औरतें मेरे सामने नहीं है इसलिए बहुत उनकी बुराई कर सकता हूं आप तो मेरे सामने है ना आपके एक्शन ही मुझको डरा देंगे तो अब औरतें हैं मसल अब वो हर जगह प्रॉब्लम आते हैं सास आती है और वो अपनी बहू के बारे में बताती है उसका बयान सुने तो ऐसा लगेगा कि अल्लाह ने आज तक इस बहू से ज्यादा खराब कोई चीज क्रिएट ही नहीं की और अगले दिन बहू आएगी वो जो पिक्चर पेश करेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की सबसे बुरी औरत ये सास हमारे उर्दू में इसके लिए एक मुहावरा है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है दोनों हाथ से बचती और हम लोग खास इसका वन साइड उसका स्टेटमेंट बिल्कुल वन साइड बल्कि दुआ में भी मैं कभी कभार विक्टम हो जाता हूं ट्रैप में आ जाता हूं मुझे अच्छी तरह याद है ये हज में अक्सर यह होता शबे जुमा थी और शबे जुमा तमाम शिया ग्रुप मस्जिद हराम यानी खान खुदा के सहन में जाके इबादत करते हैं दोबाई कुमेल पढ़ते हैं दोबाई तवस्ल पढ़ते हैं जियारत वारिसा पढ़ते हैं आप लोग जब आते हैं इंग्लैंड वाले तो इतना लेट होता है कि मस्जिद हराम का सहन जो है उसमें जगह नहीं होती तो आप चले जाते हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर ओपन स्काई के नीचे लेकिन हम लोग जब जाते हैं इंडिया पाकिस्तान वाले तो बहुत पहले जाते नॉर्मली ये अमाल के लिए हम लोग रात को लेट निकलते हैं ग्यारह बजे रात को मैं जा रहा था लिफ्ट से उतरा जो लॉबी थी होटल के वहां से निकल रहा था कि एक बूढ़ी औरत ने मुझे रोक लिया और कहा बेटा मेरे ऊपर बड़े जुल्म हैं ये हैं, वो हैं, तुम जा रहे हो तुम दुआ कर रहे हो तुम्हारी दुआ कबूल होगी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी दुआ कबूल मेरे दुश्मन के खिलाफ दुआ करना मैंने कहा कर, यस ठीक है अब मैं चला और पहुंचा बाबे अब्दुल अजीज पर जो हरम का गेट नंबर वन हमारे ग्रुप की कुछ औरतें जा रही थी उनमें से एक ने कहा मौलाना बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है और यह कि मेरा एक दुश्मन है आप आज उसके अगेंस्ट मेरे हक में दुआ कीजिएगा मैंने कहा ठीक है मैं दुआ करूं मैं आगे बढ़ गया एक साहब मुझे मिले कहा मौलाना आपने उस औरत से भी कहा होटल में के दुआ करेंगे इससे भी कहा मस्जिद के गेट पे दुआ करेंगे मैंने कहा तो क्या हुआ सौ आदमी मुझसे कहेंगे तो मैं सौ आदमियों के लिए दुआ करूंगा का लेकिन पता है आपको कि ये कौन सी दो दुआ है। वो सास है ये बहू है वो सास इसकी अगेंस्ट दुआ करा रही है बहुस की अगेंस्ट दुआ करा रही है और आप दोनों को यस कह के आ गए मैं तो इस तरह दुआ करता नहीं जैसे वो साफ समझे लेकिन कभी दुआ में भी आदमी फंस जाता तो एक मेरा अपना एक एक्सपीरियंस ये है कि वन साइडेड कभी कोई स्टोरी बिल्कुल ट्रू नहीं होती हो तो सकता है बयान करने वाला झूठ ना बोल रहा हो लेकिन जो आदमी खुद जो है एक पार्टी होता है उसका स्टेटमेंट जरा इनकम्प्लीट भी होता है थोड़ा इमोशनल भी होता तो ये आपकी एक ड्यूटी और याद रखिएगा कि जिस तरह से कुरान को ट्विस्ट करके अपनी मीनिंग निकालना लोगों ने कुरान को भी एक खेल बनाया है खाली किसी आलिम जाकिर के मजलिस ने कुरान जैसा मैंने बताया खाने काबा पे अटैक कर रहा है और कह रहा कुरान में लिखा ती रसूल की इताअत करो मैं तो कुरान पे अमल कर रहा हूं हदीस को भी लोगों ने खेल बनाया और ट्विस्ट किया जब हमारे यासिर शहीद हुए सिफीन के मैदान में तो हमारे यासिर के लिए इतनी फेमस हदीस थी रसूलुल्लाह की कि तख्तुल्फे अतुल बाग़िया आए मार तुझे एक बागी गुरो कत्ल करेगा इतनी फेमस हदीस थी कि मुआविया की अपनी फौज कंप्लेन करने लगी मुआविया से कि ये क्या हुआ अम्बार तो हमारे हाथ से मारे गए रसूल ने कहा था अम्मार को एक बागी ग्रुप कत्ल करेगा तो अब हदीस इतनी फेमस थी कि मुआविया ने इसको डेनाई नहीं किया कि झूठी हदीस है बल्कि क्या कहा कि इसको लेके कैसे ट्विस्ट किया कहा कि हमने को थोड़ी अम्मार को कत्ल किया उसकी आर्मी कह रही अरे हमारे सिपाहियों ने कत्ल किया है कहा नहीं लेकिन यह बताओ अम्बार को मैदान में लेके कौन आया अली अपनी फौज में अम्बार को लेके आए अली है ना ना मैदान में लाते ना वो हमारे हाथ से मारा जाता और मुआविया की फौज हो गई के मौला का जवाब भी आया लेकिन इन तक नहीं पहुंचने दिया मौला ने कहा तो फिर हजरत हमजा की शहादत पर कुफार मक्का को क्यों कंडेम करो रसूल को कंडेम करो ना रसूल अपने चेचा को लेके जाते मैदान में और ना वो काफिरों के हाथ से मारे जाते तो देखिए कुरान और हदीस को भी ट्विस्ट किया जाता है आदमी में इतनी अकल और समझ होना चाहिए और यही करबला के जिहाद का सबसे बड़ा पर्पस था हर कुरान हर हदीस मुआविया और हर कुरान से मतलब है कुरान की हर आयत और हदीस है रसूल मुआविया और यजीद का काम ही यह है और उनको काजी शुरा जैसे फासिक और फाजिल उलमा का सपोर्ट हासिल है कि वो हर आयत और हर हदीस को ट्विस्ट करके वो मीनिंग निकाले जो मुआविया के फेवर में जा रहे हैं जो यजीद के फेवर में जा रहे हैं हुसैन के जिहाद का मकसद यह था कि मुसलमानों को कम से कम इतनी समझ दी जाए कि वो खुद अपनी अकुल इस्तेमाल करके हक तक पहुंच जाए चुना के जियारत अरब में आप यही तो कहते इबादत का मिनल जिहाज का टॉपिक ये नहीं है लेकिन एक जनरल बात मैंने की कि किसी भी मजलिस को किसी की तरफ पर्सनलाइज करके कभी आप ना सुनिएगा हाँ जो खराबियां हैं या लेस्टर में भी कुछ खराबियां उसका तस्करा मेंबर पे आया जनरल अब आइए बस मैं आज आखिरी बात करता हूं और वो ये कि अगरचे आज के मजलिस का मतलब था नौ दिन की मजलिसों का खुलासा लेकिन अब इतना वक्त नहीं रात जाते जाते पहले तो कुरान की वायत फिर तिलावत कर दूं जो पहली मजलिस से मेरा सरनामा कलाम आज ईमान लाने वालों अल्लाह की मदद करो तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा हम तो अल्लाह से हर चीज में हेल्प मांगते हैं हर वक्त दुआ करते हैं अल्लाह दुआ कबूल करेगा लेकिन यह भी तो कभी देखो तुमने अल्लाह के लिए आज तक क्या सर्विस दी और क्या सेक्रीफाइस दिया बहुत इस पर बात हो गई घर के अभी भी, भी इनकम्प्लीट और अल्लाह की मदद का मतलब जियारत बारिसम शहदाय करबला की जियारत में आ गया असलाम या दीन अल्लाह और ये जो अल्लाह की मदद यही हुसैन की आखिरी कॉल थी हमारे और आपके लिए आज जो मैंने खुदबे में आका हुसैन की हदीस पढ़ी हल मिन नासिरिन यंसुरोना। अच्छा अब देखिए हुसैन ने तीन मरतबा मिन नासिरिन यंसुरोना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे करबला में कहा था लेकिन लास्ट टाइम जब यह कहा था तो अजगर की भी शहादत के बाद है कोई मेरा मदद करने वाला जो आके मेरी मदद करे ये हुसैन कह रहे हैं नहीं होना। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी पे गौर करें और इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान में ज्यादा जहां टेररिस्ट मुसल मुहिबान को शहीद कर रहे हैं शियान हैदर को शहीद कर रहे हैं तो एक, एक तो इराक वाली शहादतें वहां तो सुसाइड बॉम्बिंग होती है रोड साइड बॉम्बिंग होती है हमारे यहां बाइन में, में खड़ा करता बाप भी है मां भी है बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं औलादे भी हैं सबको एक लाइन में खड़ा करता फिर वन बाई वन उनको शहीद करता तो हमने ये देखा एक नहीं खुद मेरे शहर कराची में कितने वाकयात रिपोर्ट हुए कि जब वो लोग वो दुश्मना ने अलेबैद किसी घर में गए उन्होंने सारे घर वालों को खड़ा किया तो बाप को ज्यादा टॉर्चर पहुंचाने के लिए पहले उनकी औलाद को शहीद करता है बाप की आंखों के सामने मां की आंखों के सामने फिर बाप और मां तक जाता अच्छा अभी उसने शहीद करना शुरू नहीं किया अभी उसने को नहीं चलाई उस वक्त बाप और मां उससे मर्सी पटिशन करते कभी उसको इम्यूनिटी का वास्ता देते हैं, कभी रिलीजन का वास्ता देते कभी अल्लाह और रसूल का वास्ता देते लेकिन जब इनपे कोई बात असर नहीं करती तीन चार बेटे बाप और मां के मार दी तो फिर एकदम से बाप और मां चेंज हो जाते और वो एक ही जुमला कहते अब हमको भी मार दो चार बेटों का लाशा देखने के बाद जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं बाकायदा ये एक नहीं कई वाकयात पेश आए क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि बाप और मां अगर उनकी आंखों के सामने उनका सारा घर मर गया हो कहते जिंदा के कुछ नहीं करें और एक आठ केस ऐसा हुआ कि आठ फैमिली मेंबर मार दिए बाप के सामने और फिर बाप को छोड़ के गया बाप विद इन टू या थ्री वीक खुद मर गया इतना खाम, इतना सदमा उसको जिंदगी का कोई मजा ना रहा मैं ये बात क्यों कर रहा हूं टॉपिक से नहीं हटाऊ मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि एक आम आदमी जिसे नॉर्मल में जिंदगी बहुत प्यारी कोई आदमी मरने को तैयार नहीं हर आदमी मौत से डरता और घबराता इतना लोग मौत से डरते हैं कि अगर कोई मौत की मजलिसे पढ़े जैसे मैं पढ़ा करता हूं तो लोग उससे भी डरने लगते हैं एक लेस्टर के मोमिन है जो नहीं डरे लेकिन जो मेरे मुख्तलिफ टाइटल है कब्र वाला बापू जह, मुल्लाए मुलायम ड्राकोला ऑफ इस्लाम वो किस वजह से मिले हैं वो इसी वजह से कि अजाब कब्र बहुत पढ़ते हैं लेस्टर ओनली प्लेस है जहां लोगों ने कहा मौलाना आपने इस दफा अभी तक कोई अजाब कबर नहीं पढ़ा हम यह सुनना चाहते हैं लेकिन आम ये साइकोलॉजी है कि मौत से हर आदमी डरता वो भी जब अपने पूरे घर के लाशे देखता है कहता है अब मैं जिंदा रह के क्या करूं देखे यूथ ये बात नहीं समझ पाएंगे एक तो मेरी लैंग्वेज बड़ी मुश्किल हो गई और दूसरा इसलिए कि अगर वो मेरी लैंग्वेज समझ भी ले तो जब तक के खुद आदमी की औलाद ना हो उसको नहीं पता औलाद का सदमा कितना बड़ा आका हुसैन ने अकबर से कह दिया अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है इसलिए तुझे नहीं मालूम बाप के दिल पे क्या गुजर रही तो एक बाप जब अपने बेटों के लाशें देखता है कहता मैं मर जाऊंगा अब नहीं जाइए मुझे जिंदगी जिंदगी से मोहब्बत करने वाला आम बाप वो मौत की डिमांड करने लगता तो ये तो आका हुसैन है अहिल अहले बैत की फैमिली में कभी जिंदगी से मोहब्बत थी ही नहीं मेरा मौला भी कहता है कि अली मौत से इतनी मोहब्बत करता है कि जितना एक बेटा अपनी मां से भी नहीं करता होगा अली को इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसके पास मौत आ जाए या वो मौत पे चली जाए जो जिंदगी से मोहब्बत नहीं करते अहले बैत जो हर वक्त मरने के लिए तैयार रहते हैं बल्कि अगर मौत ना आए तो होते हैं मौला ने शहादत के वक्त कहा था बे रब्बिल काबा उससे पहले मेरा मौला बाकायदा याद करता था कि मेरा हमजा चला गया मेरा बड़ा भाई जाफर तैयार शहीद हो गया मिन मन मई अब मैं उन लोगों में से हूं जो मौत का इंतजार कर रहा हूं सूरह एजाब की आयत लेकिन जो अहले बैत मौत से मोहब्बत नहीं करते जो जिंदगी से मोहब्बत नहीं करते हर वक्त मौत को फेस करने के लिए तैयार वो अहले बैत आम हालात में जिनको मौत चाहिए जब उनके घर आने के 18 लाशें जलती रहती मैं कह रहा हूं आका हुसैन आखिरी बार क्यों कह रहे हैं मुझे मददगार चाहिए आका क्यों चाहिए मददगार क्या और आपको जिंदा रहना है ना बिल्ला आप तो वैसे ही जवानी में भी मौत को पसंद करते थे और अब तो वो बुढ़ापा है कि एक तरफ अकबर का लाशा है एक तरफ कासिम का लाशा है एक तरफ ओन मोहम्मद के लाशे हैं एक तरफ अबिल फजल अब्बास का लाशा है एक तरफ असगर की नन्नी से कब्र है एक तरफ बचपने का दोस्त अभी भी इमने मुजाहिर सो रहा है मौला पूरा घर मारा गया सारे दोस्त मारे गए एक आम गुनागार बाप भी कहता है मर जाऊं आप तो मासूम है मौत के लिए हर वक्त तैयार अब क्यों कह रहे यंसुरोना अब क्यों हुसैन को चाहिए मददगार कि अपनी जान बचाने के लिए और चले अगर कोई कह दे कि हुसैन को अभी भी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है तो जब आए मददगार तो वापिस क्यों किया अभी बराधर जाफर लाड दो दिन पहले जाफर है जिनका वाकया पढ़ रहे थे और भी वाकया है जिन्हों के जिन आए वापिस किया मलाइका आए वापिस किया अंबिया मुरसलीन ने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प को आ रहे हैं वापिस किया समझ में नहीं आ रहा एक तरफ आवाज दे के बुला रहे हलमिनना से नहीं, नहीं अंसूर होना दूसरी जानब जो आ रहा है उसको वापिस कर रहे हैं बहुत ही आसान इसका जवाब अगर हुसैन अपने लिए मददगार मांग रहे थे तो जो आने वाला होता हुसैन उसकी ऑफर को कबूल कर लेते अपने लिए कुछ थोड़ी मांग रहे थे इस्लाम के लिए मददगार मांग रहे थे तो जिनको थोड़ी इस्लाम की हेल्प करेंगे मलाइका को थोड़ी इस्लाम की हेल्प करेंगे इस्लाम की हेल्प हम और आप करेंगे तो आलमिन नासिरिन का मकसद ये नहीं है कि आओ करबला में और तुम्हारे साथ के तीरों से हुसैन को बचाओ में नासिरिन का मकसद है जब तक इस्लाम मौजूद है तुम जिस दौर में हो तुम्हें अगर हुसैन की में नासिरिन की कॉल पे रिप्लाई देना है तो ये देखो तुम रिलीजन की क्या हेल्प कर सकते हो तुम इस्लाम को क्या मदद दे सकते हो अब यहां तक मैं पहुंचा तो तीन जुमले सुने आज की मजलिस खत्म और वह तीन जुमले पूरे की का तर्जमा इस्लाम की मदद करो पूरे टॉपिक का खुलासा है पहली बात वो गलती ना कीजिएगा जो यजीद ने की गुजराती में कह वो भूल ना कीजिएगा जो यजीद ने की नंबर दो और वो भूल ना कीजिएगा जो शैतान ने की है और नंबर तीन वो भूल ना कीजिएगा जो यजीद ने भी की और शैतान ने भी की एक चीज ऐसी एक भूल ऐसी थी जो यजीद ने कर ली वो आपको नहीं करना और एक भूल ऐसी थी जो शैतान ने की है वो आपको नहीं करना और एक भूल ऐसी है कि यजीद ने भी की है और शैतान ने भी की है यजीद की भूल क्या ये पूरा अच्छा जैनबिया का टॉपिक है यजीद की भूल इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं खाली एक इशारा करके दो मिनट में इससे आगे बढ़ूंगा यजीद की भूल ये थी यजीद मीन्स पूरा उसका ग्रुप जिसमें हमारे साथ भी है अपने जियात भी है शिमर भी है एक एक लानत का हकदार इसकी भूल क्या है इनकी भूल यह है कि यह समझ रहे थे कि करबला का जिहाद ऑफ मुहर्रम को खत्म हो गया यह यजीद की भूल थी उसे नहीं पता था कि 11 मुहर्रम से जो जिहाद है करबला चल रहा है यह करबला के बैटल फील्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट जिहाद हो रहा है करबला का असल जिहाद करबला में नहीं हुआ बाजारों में हुआ दरबारों में हुआ और कैद खानों में हुआ करबला में जब यजीद ने जुल्म किया है कोई उसको कंडेम करने वाला नहीं यजीद को कंडेम करना शुरू शुरू किया गया कब जब ये सैदानिया बाजारों में गई जब ये दरबारों में गई जब ये कैद खाने में गई असल जिहाद तो वहां किया गया यजीद ये समझ आ ये यजीद की भूल कि मैंने करबला में हुसैन की फैमिली को क्रश कर दिया जिहाद खत्म हो गया एक्चुअल जिहाद तो वहां से शुरू हुआ और आप भी ये भूल ना कीजिएगा कि आप समझे कि जिहाद करबला वन हिजरी में खत्म हो गया नहीं जिहाद करबला कयामत तक रहेगा कयामत से मेरी मुराद है कयामत क्यामत यानी जहूर इमाम हर वक्त करबला का जिहाद चल रहा है और जब हर वक्त करबला का जिहाद चल रहा है तो हर वक्त हुसैन की आवाज भी चल रही है हल में ना सिर एन सोना हुसैन कह रहे कि 61 वन हिजरी की करबला में भी मुझे नासिर चाहिए और 1429 टवेंटी के लेस्टर में भी मुझे नासिर चाहिए आवाज अब तक है यजीद वाली भूल आपको नहीं करना है और अब इसके बाद अशर जैनबिया में डिटेल आती कि ये, ये भूल यजीद ने क्या की कैसे की और इसके क्या नुकसान यजीद को हुए वो तो समझ रहा है ना कि मैं करबला में जीत गया तभी जियारत आशूरा में आप पढ़ते और अलहमद लेस्टर वाले एवरी सनडे जियारत आशूरा पढ़ते मुझे मुझे मालूम है मौलाना हम इसलिए लेट हुए आज फिफ्टी फाइव मिनट कि आज जियारत आशूरा भी थी तो हमसे भूल हो गई कि हमने उसको में शामिल नहीं किया और हमसे भूल हो गई कि हमने यासीन को उसमें शामिल नहीं किया तो वाकान भूल हर एक से हो सकती है लेकिन इसीलिए मैंने कहा मैं एक दिन की कंप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं तो पूरे नौ दिन की कंप्लेन कर रहा हूं वापिस आइए कि जियारत आशूरा में तभी तो जुमला है कि आज अमुन ये वो दिन है कि बनु मैया ने ईद सेलिब्रेट किया वो समझ रहे खत्म हो गया ना जिहाद भाई आदमी ईद कब सेलिब्रेट करेगा जब उसके एतबार से रमजान मुकम्मल हो जाएगा रमजान खत्म होता है तो आप ईद मनाते तो यजीद के एतबार से आशूर्य के दिन खत्म जिहाद और यह उसकी इतनी बड़ी भूल थी कि नामे यजीद दाखिल दुश्नाम हो गया कयामत तक के लिए यजीद कंडेम हुआ अपने इस भूल की वजह से और दूसरी बात यह है कि एक भूल शैतान ने की वो कभी ना कीजिएगा आप और शैतान ने क्या भूल की शैतान की भूल को अगर मैं बहुत शॉर्ट बताऊं स्पेशली आज भी जो लास्ट पॉइंट बराधर जाफर लाडिक की स्पीच में था या सेकेंड लास्ट उसको जहन में रखते हुए कि इमाम तो होगा, हम उसका कर रहे। और उससे रिलेटेड बहुत सारी हदीसें आती लेकिन पहले ये पहले शैतान की भूल समझ लीजिए फिर मैं थोड़ा उसको बताऊं शैतान ने क्या भूल की शैतान कौन था शैतान एक जिन था काना मिनल जिन सूरह कहफ में कुरान कह रहा ऑल दो मुसलमानों के दरमियान यह कंट्रोवर्सी है कि शैतान वन ऑफ द एंजिल्स और मिनल जिन कुरान कह रहा मिनल जिन शैतान जिन में जिनों में से था और इस दुनिया में हमसे पहले जिन इस तरह रहते थे कि हर आदमी उनको देख सकता जिन तो आज भी हैं लेकिन छुपे हुए कोई उनको देख नहीं सकता और जो जिनों से कॉन्टेक्ट का कर दावा करता है वो अगर सच्चा है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है झूठा है तब भी बड़ा गुनाहगार झूठ बोल रहा है और सच बोल रहा है तब भी गुनाहगार अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम उसका लास्ट चैप्टर देख लीजिए ब्लैक मैजिक का मसाला जिनों से कॉन्टेक्ट का मसाला हिप्नोटिज्म का मसाला ये सारे फतवे मौजूद है हमारे मर्जे की बुक में एक तो टाइम भी नहीं है और दूसरा कई जगह पे मेरा दिल चाहता है कि लोग खाली मजलिस में गौतम बुद्ध का स्टेच्यू बन के मजलिस न सुने घर में जाके उसका फॉलो अप भी करें तो मैं बहुत से रेफरेंसेस दे के आधी बात बताता हूं ताकि आप पढ़े जाकर वापिस आ जाइए आज की तकरीर मेरे हिसाब से मुझे 20 मिनट 15 मिनट पहले खत्म कर देना चाहिए थे लेकिन ये मुझसे भी भूल हो गई क्योंकि शैतान से एक भूल हुई है शैतान की भूल ये है कि पहले यहां रहते थे और वो न सिर्फ ये जिन्हों में से एक था बल्कि सबसे प्वास वही था सबसे प्वासिन वही था और उसकी सही पायटी थी हमारे यहां तो बहुत से प्वाइस आदमी झूठे प्वास होते हैं वो समझते हैं खाली नमाज शब पढ़ने का नाम पायटी खाली दुआए कुमेल पढ़ने का नाम पायटी खाली रोजा रखने का नाम पायटी तकवा यह चीजें पार्ट ऑफ द तकवा है लेकिन खाली ये इनफ नहीं है ये मेरा तीसरा पॉइंट है जो शैतान और यजीद दोनों ने मिलकर भूल की तो कहे ये सही माने में प्वायस मुतकी था यानी खुद भी अमल करता था अमरे बिल मारूफ भी करता था हमारा पायस आदमी कभी अमरे बिल मारूफ नहीं करेगा किसी आदमी की कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रेज हमारे यहां मोमिन बहुत अच्छा मोमिन क्यों का हर वक्त नमाज रोजा करता है ना किसी के लेने में है ना किसी के देने में इससे ज्यादा बुरा कोई मोमिन ही नहीं हो सकता सिक्सटी वन एजरी के करबला में भी कहता कि मेरा यजीद और हुसैन से क्या ताल्लुक मैं तो बहुत बुतकी आदमी हूं मैं तो अपने घर में बैठ के नमाज शब पढ़ूंगा हर एक से लड़ना झगड़ना ये नहीं कह रहा हूं मैं हमारे यहां तो मस्जिदों तक के अंदर फाइटिंग होने लगती है नहीं मैं बात कर रहा हूं कि प्वाइस आदमी अम्र बिलमारूफ के बगैर प्वास नहीं हो सकता अमर बिलमारूफ अल्लाह के लिए अपना गुस्सा निकालने के लिए या किसी को जलील करने के लिए अमर बिलमारूफ ना हो ये भी शैतान की एक ट्रिक है बहुत से लोग समझते हैं हम अम अमरे बिल मारूफ कर रहे हैं वो असल में अमरे बिल मारूफ नहीं कर रहे वो किसी को जलील कर रहे हैं मैं एक बहुत ही सिंपल सवाल करूं आप लोग वजू करते हैं। पहले वजू का तरीका बचपने में सीखते हैं फिर वजू करते आप नमाज पढ़ते ऐसा नहीं क्या आप खड़े होकर गए पे जैसा दिलचार नमाज पढ़ी पहले नमाज आपको मदरसे में सिखाई जाती है अमरे बिल मारूफ भी इस्लाम ने सिखाया है हर मर्जी की बुक में है अमरे बिल मारूफ का तरीका क्या है कितने मोमिन ऐसे जिन्होंने मर्जी की बुक में पढ़ा है बिल मारूफ का तरीका नमाज का तरीका पढ़ा रोजे के मसाले पढ़े खुमुस का तरीका देखा है हज का तरीका, तरीका सीखा है ट्रेनिंग ली है फिर जाते हैं हज पर अमर बिलमूफ तो एक लफ्ज मेम्बर से आता है आप पकड़ के दौड़ पड़े अमरे बिल मारूफ करना उसकी कंडीशन है उसका तरीका है और हर मर्जे की किताब में इंग्लिश इस्लामिक लॉ में शायद ये चैप्टर नहीं लेकिन जो ओरिजिनल मर्जी की किताबें मौजूद तो खैर अब मसाला यह कि वो शैतान मारूफ ही करता नहीं ये शैतान तो मैं गलत कह गया ये तो एक और की बात है जिसका नाम है अजाजील फिर अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया कि जिन्हों में अजाब आए जिस तरह का अजाब आया बहुत से मार दिए गए बहुत से शहरों से निकाल के जंगल में भेज दिए गए बहुत से आंखों से छुपा दिए गए लेकिन अजाजील जो कि अकेला था इतना मुतकी कोई और कौम में नहीं था सारी कौम पे अजाब आया अकेला रह गया अकेला दुनिया में रहता तो यह भी एक इस पर अजाब होता कहा गया है कि इसको अपने साथ आसमान पर ले जाओ और अपना नेबर बना के इसको रखो इतना इसका हाई स्टेटस है कि खाली तुम्हारे नेबर में रह सकता और तो जो फरिश्ते हैं ना उनसे भी इसका हाई स्टेटस अच्छा फरिश्तों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस कोई रोल्स रॉयस गाड़ी वाला है कोई बी एमडब्ल्यू वाला है कोई मर्सिडीज वाला है कोई होंडा वाला है वहां भी इसमें स्टेटस है छोटा फरिश्ता होता है उससे बड़ा होता है जो फर्स्ट आसमान का फरिश्ता है वो फरिश्तों के दरमियान सबसे छोटा एज में नहीं स्टेटस वाइज रैंकिंग में उसने एक दिन फर्स्ट आसमान पे एक अनाउंसमेंट देखा जैसे थ्रू आउट आप इस स्क्रीन पे एक अनाउंसमेंट देखते थे ऐसी देखा अनाउंसमेंट यह था कि एक मेरी क्रिएचर ना लफ्ज इंसान है ना जिन है ना फरिश्ता है एक मेरी मखलू सबसे ज्यादा मेरी इबादत करेगी और उसी पर मेरा सबसे बड़ा अजाब आएगा उसी की पनिशमेंट सबसे बड़ी इसने ऐलान देख घबरा गए दिल में कहा कि अगर इसका जो हाफ पार्ट है वो तो मैं नहीं पूरा उतरता मैं सबसे ज्यादा इबादत तो नहीं करता हूं लेकिन कहीं आजाद मेरे लिए तो ऐलान नहीं हुआ वो घबरा गए अल्लाह से दुआ अलग की और एक अकीदा ऐसा है जो अमंग एंजल्स भी कंफर्म अकीदा वसीले का जो एवरी ट्यूसडे आप यहां दुआए तवस्सुल पढ़ते हैं तवस्सुल के अपने से बड़े वाले को लेकर जाओ अल्लाह के पास ये गया सेकेंड आसमान वाले फरिश्ते के पास और कहा कि मैंने तो अल्लाह से दुआ की कि ये जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट आ रही है आजाब आ रहा है मैं ना हूं तुम भी मेरे लिए दुआ करो दूसरे आसमान के फरिश्ते ने सुना घबरा गया कहा कि इसमें कोई नाम तो नहीं लिखा हो सकता ये मेरे लिए हो मैं क्या तुम्हारे लिए दुआ करू मुझे तो अपने लिए फिक्र हो गई वो गया अपने से बड़े फरिश्ते के पास इस तरह से स्टेजेस वाइज पांचवा आसमान सातवां आसमान सातवें आसमान के फरिश्ते के पास लोग आ गए यानी ये फरिश्ते आ गए उसने कहा मैं तो अपने लिए डर रहा हूं हो सकता है ये मेरे लिए हो वो अपने से बड़े फरिश्ते के पास गया आखिर में चार बड़े फरिश्ते थे वही तरतीब के साथ कि इज़राइल यानी मौत के पास गए वो भी घबरा गया और वो इनको लेके मसलन मिकाइल के पास गया मिकाइल घबरा गया वो इसराफील के पास गए इसराफील घबरा गए वो सैयदुल मलाइका जबराइल के पास गए तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्राइल और कहा कि एक ऐसा अनाउंसमेंट हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज्यादा आजाब आएगा जो सबसे ज्यादा इबादत कर रहा आप हमारे लिए दुआ करें आपका स्टेटसरिश्ते डर रहे और घबरा रहे जिब्राहल भी घबरा गया कहा कि इसमें नाम तो नहीं हो सकता मेरा आजाब बताया जा रहा अरे जिब्राहल तो हाइएस्ट फरिश्ता है आसमान पे जिब्राहल ने कहा जो मेरा नेबर है अल्लाह उससे बहुत खुश है वो बहुत इबादत करता है वो जिन है और यहां लाके रखा गया हम उसके पास जाते हैं ये सब उसके पास पास गए गए और कहा अच्छा वो भी घबरा गये? कि आज बड़ा अजीब सा क्राउड मेरे पास आया इसमें फर्स्ट आसमान का फरिश्ता भी है इसमें फिफ्थ आसमान का फरिश्ता भी है इसके अंदर टेंथ आसमान का फरिश्ता भी नहीं आसमान ही नहीं होता नहीं बस सेवन आसमान के बाद भी फरिश्तों के रैंक इसमें मिकाइल भी है इसमें इसराफील भी है इसमें जब्राइल भी है मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का याद ग्रुप आया घबरा के का हुआ क्या जो अलग अलग फरिश्ते आए आएटेड टाइप के तो एक बार जिब्राइल ने डिटेल बताई और कहा कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए कि सबसे ज्यादा अल्लाह तुमसे खुश अल्लाह तुमसे राजी तुम दुआ करो कि हम में से किसी पे अजाब ना आए जैसे ही उसने सुना हाथ उठा के दुआ किया है परवर दिखा रहा मैं दुआ करता हूं कि इनको अपने अजाब से बचा ले बस अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की किसी भी अजाब नहीं आया लेकिन अल्लाह ने अपना अनाउंसमेंट वापिस नहीं लिया अजाब आ भी गया और वो इसी पर अजाब आया जो सबके लिए दुआ कर रहा क्योंकि इसकी मिस्टेक क्या हुई? इसने दूसरों के लिए दुआ की अपने आप को भूल गया इससे पहले हर फरिश्ता पहले अपने लिए परेशान होता है फिर दूसरों को सोचता है इसने सुना सुना बड़ा सेटिस्फाई अच्छा जिब्राईर भी परेशान है पता है कि जबराइल मासूम है लेकिन फिर भी अपने आप को याद ना किया अपने आप को भूल के दूसरे के लिए दुआ की अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल करके इनमें से किसी पे अजाब नाजिल ना किया और अपने ऐलान पे अमल किया कि तुमने अपने लिए तो दुआ ही नहीं की है तुम पर अजाब आएगा इमाम फरमाते हैं यह भूल कभी ना करना इसीलिए दुआ का एक रूल इस्लाम ने बताया है हमेशा पहले दूसरे के लिए दुआ मांगो फिर अपने लिए सिवाय एक दुआ के जब गुनाहों की तौबा की दुआ हो तो पहले अपने लिए मांगना है फिर दूसरे के लिए मांगना मोमिन बाद में आ रहे पहले अपने गुनाह की जहां बात आ जाए तो शैतान वाली भूल ना हो क्या खुदा बंदा बाकी गुनाकारों को माफ करो तुम पहले अपने गुनाह या बाकी हर चीज में आपको गाड़ी चाहिए मर्सिडीज लेकिन पहले किसी और के लिए दुआ करे आपको सेहत चाहिए पहले किसी और के लिए दुआ करें बहुत मशहूर ये रिवायत है मैं बता पढ़ नहीं रहा हूं इसलिए टाइम बहुत तो शैतान की भूल क्या हुई कि दूसरों के लिए दुआ करने में बिजी रहा अपने आप को भुला दिया और हमारा यह प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मजलिस क्या थी एक अजीज वाली भूल ना कीजिएगा एक शैतान वाली भूल ना कीजिएगा जो हदीसे भी आप पढ़ें सबसे पहले अपने आप को गौर कीजिए कि हम इस हदीस में आते हैं कि नहीं आते हैं पता नहीं दुनिया के किस जबान का ये एक एग्जाम्पल है जो अब बहुत कॉमन हो गई कि जब तुम किसी को कंडेम करते हो एक उंगली उसकी तरफ होती है तो तीन उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं यही इस्लाम का मैसेज है आपने एक मजिद बड़ी ख़िबत नहीं करना अपने आप को चेक करें आप तो नहीं है बाप खड़े हो गए बनाई कम्युनिटी की जमात की डायरेक्टरी निकाली ये येमत करता ये यहमत करता ये करता है आज मौलाना ने कहा इसके 700 गुना जो है 700 सौ नकियां काट ली जाएंगी तो इस मोमिन के 700 सौ नकियां चली गई उसकी और अपना पहले अपने आप को चेक करना आपने सुना कि आखिरी जमाने में जब इमाम आएंगे तो बहुत से शिया उनके अगेंस्ट हो जाएंगे आपने कहा फुल अगेंस्ट होगा वो मेरे भी अगेंस्ट हो चुका है वो इमाम के भी अरे पहले अपने आप को देखना है तुम तो इमाम के अगेंस्ट नहीं हो रहे हो तो जितनी मजलिसें होती हैं कि जैसे डॉक्टर जो है आपको अगर हेल्थ एडवाइस देता तो वो इसलिए है कि आप अपने आप को चेक करें कि भाई आइडियल वेट इतना होना चाहिए अब आप स्केल लेके पूरे महल्ले में निकल गए तुम सबका वेट करना आइडियल है पहले अपना वेट करो फिर उधर जाओ जी वो ब्लड शुगर इतनी होनी चाहिए और देखिए कि आपका टेम्परेचर इतना होना चाहिए सब अपने लिए ये हदीसे जो होती है ना ये बाथरूम स्केल ये हदीसे जो होती है ना ये वो थर्मामीटर है जिससे आदमी अपना टेम्परेचर चेक करता है ये हदीसे जो होती है ना ये वो ग्लूकोमीटर है जिससे आदमी ब्लड ग्लूकोज चेक करता है ये सारी चीजें आदमी अपने लिए इस्तेमाल करता अपने बाथरूम स्केल में खुद खड़ा होता अपने घर का थर्मामीटर अपने टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता

आ, तरीका आया और एक शैतान का फरिश्तों ने अल्लाह का सुना सबसे पहले अपने लिए परेशान हुए शैतान ने अल्लाह का जाब सुना दूसरों के लिए परेशान हुआ आपको यह शैतान वाली भूल नहीं करना स्पेशली इमाम जमाना से रिलेटेड जब आप हदीसे सुनेंगे कि आखिरी जमाने में यह होगा और आखिरी जमाने में वो होगा तो दूसरों को मत देखते रहिएगा पहले अपने आप को देखिएगा कि हदीसे मेरर का काम करें और तीसरी भूल देखिए देखिये तकरीर बहुत लंबी हो सकती थी सेकंड पॉइंट लेकिन टाइम नहीं और एक भूल ऐसी है जो शैतान ने भी की और यजीद ने भी की वो भी आप कभी ना कीजिएगा और वो ये है कि औरत शैतान ने भी उसको इंफीरियर मखलूक समझा और यजीद ने भी और औरत कितनी पावरफुल होती है औरत कितनी स्ट्रांग होती है ना शैतान ने रियलाइज किया ना यजीद ने भूल शैतान से भी हुई भूल यजीद से भी हुई शैतान की भूल का नतीजा ये निकला कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली मरतबा पत्थर शैतान ने औरत के हाथ से खाए और यजीद की भूल का नतीजा निकला कि आज तक दुनिया यजीद को कंडेम कर रही अब ये देखिए आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप दो साल पहले अशर जैनबिया की आठवीं मजलिस सातवीं भूल गए भूल खैर इस भूल में कोई अरज नहीं है पूरा वाकया मैंने पढ़ा था लेकिन इतना फेमस है कि मैं ना भी पढ़ू खाली इशारा करूं हज पे आप जाते हैं जो नहीं भी जाते हैं, उनको यह मालूम है। कि आज में तीन शैतानों को कंकर मारे जाते और सबसे पहला जो शैतान है उसे कंकर क्यों मारे जाते हैं हिस्ट्री में लिखा कि जब कि राहीम अपने इस्माइल को सेक्रीफाइस करने ले चले जब मोमिन कोई नेकी का, का काम करता सबसे ज्यादा परेशान शैतान होता आप नमाज पढ़ेंगे शैतान के पेट में दर्द हो जाएगा आप चैरिटी करेंगे शैतान घबरा जाएगा आप खमोश देंगे शैतान जो है वो किसी तरह से आपको रोकने की कोशिश करेगा बल्कि रसूलुल्लाह की एक पूरी हदीस भी रसूल ने पूछा था शैतान आखिर तू मेरी उम्मत को नमाज से क्यों रोकता है सदके से क्यों रोकता है हज से क्यों रोकता वो इतनी लंबी हदीस है कि उस पर मैंने पूरा अशरा पढ़ा है जिसका नाम है शैतान का इंटरव्यू रसूल सवाल कर रहे हैं शैतान रिप्लाई दे रहा लेकिन उसका इन शॉर्ट समरी है कि मोमिन को नेक काम करते शैतान नहीं देख सकता चुनाच जब इब्राहिम एक छोटा सा नेकी का काम करे शैतान से बर्दाश्त नहीं होगा हम लोग खुम्स देने लगे खुमस देते तो कौन सा एहसान करते अहले बहते हथार के तुफायल हमको सौ पाउंड मिले खाली बीस पाउंड हमसे मांगे जा रहे वो शैतान से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं सौ में बीस पाउंडल इन टाइटिल है हमसे कहें कि अगर तुमने हजार पाउंड कमाए सब हमको दे दो आप कहते हैं ना मौला आपके नाम पे जान भी कुर्बान औलाद भी कुर्बान मौला कह अच्छा सौ पाउंड को जेब भी नोट निकालो मौला ये नहीं जान ले लीजिए औलाद ले लीजिए ये नोट बड़ा कीमती है बॉडी लैंग्वेज हमारी यही कहती है वो तो कह सकते जितना कमाओ सब हमको दो हमारे तो फैल तुमको मिला उनका एहसान है कहा नहीं पूरा खर्चा करो जितना दिल चाहे फजूल खर्चे ना हो जितने तुम्हारे जायज खर्चे सब कर लो अब जो बच गया बच गया लेफ्ट ओवर अच्छा इतना तो कह सकते हैं ना चलो तुम अपने सारे खर्चे करो फिर जो बच जाए वो तो हमको दे दो ना वो भी नहीं मांग रहे कह रहे जो बच जाए उसका भी वन फिफ्थ हमें दो फोर्थ अबाउट फिफ्थ तुम रख लो खाली वन फिफ्थ मांग रहे हैं और वो हम देने को तैयार नहीं कभी शैतान के कान में फूकता है कि खुमुस कहां लिखा है? कुरान में एक ही तो आयत आई है वो भी गनीमत के बारे में कभी शैतान कहता मर्जे को क्यों दें? मर्जे का घर गोया हमारे खुमुस से चल रहा है शैतान जहन में ये ख्याल डालता कभी कहता है कि इनको दे दो चाहे उनके पास इजाजा ना भी हो तो जो बाकी ने किया उसमें तो शैतान हमें जगह जगह रोकता छोटी छोटी हमारी इबादतें और इब्राहिम तो कायनात की उस वक्त के एतबार से सबसे बड़ी सेक्रीफाइस देने जा रहे हैं उस वक्त की, की जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी इब्राहिम की थी फिर कुरान ने कहा बेजिब इन अज़ीम। अब इससे भी बड़ी ये कुर्बानी करबला में दी जाएगी तो शैतान घबरा गया रोकना है इस कुर्बानी को इब्राहिम ने अगर यह कुर्बानी दे दी तो गोया शैतान का अब तक जितना वर्क है सब पे पानी फिर जाएगा अब वो कैसे रोके कुर्बानी के दो कैरेक्टर हैं इब्राहिम और इस्माइल। उन दोनों के बारे में मालूम है ये बहुत स्ट्रांग हैं। उसने सोचा एक तीसरा कैरेक्टर हाजरा है हाजरा औरत है औरत इमोशनल होती है बेटे के नाम पे उससे कोई गुनाह करवा लो हाजरा को यूज करो ये जो चेन नजर आई शैतान को इसमें सबसे कमजोर कड़ी हाजरा उसने समझा कि ये सबसे कमजोर है इनको जाके बहकाओ चुना के शैतान पहले इब्राहिम के पास भी नहीं आया वो जो बाद में गया और कहा भाई खाब की बात पे क्यों अमल कर रहे इस्माइल के पास भी नहीं आया बाद में गया था और यही तो कहा था तुम तो अभी जवान हो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है पहले हाजरा के पास गया हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा मरने जा रहा है तुम्हारा बेटा मरने वाला हाजरा ने कहा वो कैसे मरेगा उसको तो बाप लेकर गया शैतान ने कहा भाई बाप ही तो तुम्हारे बेटे को मारने जा रहा है हाजरा ने कहा कि मेरा बाप, मेरा शोहर इस्माइल का बाप वो कैसे बेटे को मार सकता कहा वो बूढ़ा बूढ़ा हो गया है बुढ़ापे में उसका दिमाग खराब हो गया कहता है मैंने खाब में बेटे को जबा करते देखा बस एक बार हाजरा ने कंकर उठा के शैतान को मारे और कहा कि मैं समझ गई तू शैतान है घबरा के कहा कैसे समझी तू ने नबी के दिमाग की खराबी की बात की है और जो ये कहे कि नबी का दिमाग खराब है उसके शैतान होने में कोई शक नहीं है लेकिन बात क्या थी शैतान से भूल क्या हुई वो सबसे पहले हाजरा के पास गया था ये समझ कर की औरत वीक होती है और यही गलती मिस्टेक भूल यजीद ने की जिसकी विटनेस हमको मिली इस जमाने के सबसे बड़े यजीज सद्दाम के जुमले से ये दो इतने फेमस जुमले हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ याद दिलाना जब सद्दाम से कहा गया कि सदर को तुम शहीद कर रहे हो शहीद करो लेकिन उनकी बहन आमिना बिन हुदा जेल में डाल दो शहीद ना करना इस ट्वेंटी सेंचुरी के एंड में औरत को हैंग करेंगे या फायरिंग स्क्वाड के सामने रखेंगे हंगामा हो जाएगा हमारे दोस्त भी हमारा फेवर नहीं कर पाएंगे औरत को टच ना करो ठीक है खतरा है ना जेल में डाल दो कभी कभार ऐसे जालिमों की जबान पे इतना बड़ा